शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ 4 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित। मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर में नवनिर्मित एमजीएम हॉस्पिटल बिल्डिंग का किया उद्घाटन। ओपीडी का भी शुभारंभ। सीएम का स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रांची में विकसित भारत के तहत युवा कनेक्ट कार्यक्रम में लिया हिस्सा। युवाओं से सशक्त और आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान का आह्वान। और भाजपा ने जारी किया पंचप्रण गोगो दीदी योजना का ऐलान। मुफ्त बालू और सभी परिवारों को सिलेंडर के लिए 500 रुपए तथा युवाओं को 2000 युवा साथी भत्ता का वादा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वासिम से पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री की इस पहल से देशभर में 9 करोड़ 4 लाख से अधिक किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि विकास और किसान कल्याण की चर्चा करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हमारे किसान भाई बहनों के जीवन में मुश्किलें पैदा की है, इसलिए उसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना पसंद नहीं है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है, इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा, इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को। विकास सपोर्ट किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है। हमारी एकता ही देश को बचाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जमशेदपुर में नवनिर्मित एमजीएम हॉस्पिटल बिल्डिंग का उद्घाटन और ओपीडी का शुभारंभ किया। जमशेदपुर दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहानगरी को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ी सौगात देते हुए एमजीएम हॉस्पिटल बिल्डिंग का उद्घाटन और ओपीडी का शुभारंभ किया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने स्वस्थ और सुखी झारखंड के नव निर्माण का संकल्प दोहराया। सरकार के निर्णय के अनुरूप आज एक नया मेडिकल कॉलेज सरकार ने कोल्हान की जनता और झारखंड प्रदेश की जनता को समर्पित किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर है। साथियों दोस्तों, ये जमशेदपुर शहर जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के सपनों का शहर और शहीद निर्मल महतो की शहादत का ये शहर है। और इस शहर में आज एक ऐतिहासिक काम करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री आए हैं। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के डिमना चौक और बालीगुमा में अमर वीर शहीद तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता और रामदास सोरेन समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज रांची में विकसित भारत के तहत युवा कनेक्ट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत स्थानीय मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में विकसित भारत के तहत युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं से संवाद किया और उन्हें देश के नव निर्माण के लिए प्रेरित किया।
केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि देश के युवाओं के क्षमता निर्माण के लिए लगातार पहल हो रही है ताकि साल 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना पूरा हो सके और युवा इसमें सकारात्मक दायित्व निभा सके। कि सन 2047 के विकसित भारत में आप अपना दायित्व सुचारू रूप से सकारात्मक ढंग से निभा सके, उसको निर्माणित करने की, उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी आई है कुलपति प्रोफेसर सिन्हा साहब और हम सब के जिम्मे। इसलिए हम भी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम रूबरू हैं उन सब भारत के नागरिकों के साथ जो सन 2047 का शताब्दी उत्सव मनाने वाले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, विश्व में भारत का मान बढ़ा है। मोदी जी के आने वाली हुई है, इसको बरकरार रखने की भी जिम्मेवारी आपके पास है। अब आप देख सकते हैं कि आधारशिला कितनी मजबूत बन चुकी है, आपको उसके ऊपर सिर्फ वो इंटीरियर डेकोरेशन करनी है। अगर आप उसे इस तरीके से करेंगे तो 2047 की भारत की कल्पना आपके मन में जो है उसको पूर्ण करते हुए भी आप ही को उसको आनंद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस दौरान युवाओं को स्लाइड के माध्यम से मेरा युवा भारत माई भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। साथ ही देश में वर्ष 2014 से 2024 के बीच रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म की पहलों से रूबरू कराया गया। रांची से सहयोगी विकास के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के सिलसिले में प्रदेश भाजपा ने आज रांची में पार्टी के पंच प्रण की घोषणा की। भरोसे की बहार और झारखंड की जनता से भाजपा के पांच वचन शीर्षक से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के अन्य नेताओं की उपस्थिति में पंच प्रण की जानकारी देते हुए भाजपा सरकार को फोकस रहेगा। श्री मरांडी ने कहा कि गोगो दीदी योजना लागू की जाएगी जिसके तहत हर महीने 11 तारीख को महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। सभी परिवारों को 500 रुपये में LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। त्योहारों सीजन में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे। राज्य में 21 लाख PM आवास बनाए जाएंगे ताकि झारखंड का कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी लोगों को सरकार बालू मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। 5 सालों में राज्य के 1.5 लाख पदों पर युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। स्नातक और स्नातकोत्तर सफल युवाओं को प्रत्येक माह 2000 रुपये युवा साथी भत्ता प्रदान किया जाएगा। पंचप्रण की घोषणा के समय प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। जो कर्मचारी महिलाएं होती थी कि उनको पहले क्या कहते हैं कि मातृत्व अवकाश उनको 12 सप्ताह ही मिलता था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 26 सप्ताह भी किया। फिर झारखंड राज्य में ही आप सबको पता है कि पहले माँ बहनों के लिए जो 50 लाख रुपया तक की संपत्ति में रजिस्ट्री फीस मात्र 5 रुपया एक रुपया लगता था और झारखंड बनते ही झारखंड के बच्चों को भी हम लोगों ने साइकिल देना भी प्रारंभ किया था। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने राज्य की विधि व्यवस्था, घुसपैठ और महिला सुरक्षा पर राज्य सरकार को घेरा है। सत्ता परिवर्तन पर जोर डालते हुए श्री सोरेन ने सरायकेला खरसावा में कहा कि केवल भाजपा ही नागरिकों को सुशासन और बेहतर सुरक्षा मुहैया करा सकती है। उन्होंने दावा किया कि संथाल प्रमंडल के सभी सीटों पर भाजपा की स्थिति और पकड़ मजबूत है। वहाँ अच्छा सेवा होगा, वहाँ से जो आज पूरा प्रदेश में जो बांग्लादेशी घुसपैठ का बहुत बड़ा मुद्दा है जी, वो दूसरा कोई राजनीतिक दल से उस बात को नहीं उठा सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी से ही उस बात को उठा सकता है और समाधान का रास्ता भी निकल सकता है। नीति के अनुसार वो दमत नहीं बन सकता जी, एक वो समाज स्वीकार नहीं करता। लोहरदगा के नदिया में 51 करोड़ की लागत से बन रहे 100 बेड वाले सरकारी अस्पताल क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण और मजदूरों के भुगतान में अनियमितता का मामला सामने आया है। मजदूरों की शिकायत पर लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत आज निर्माण स्थल पर पहुंचे। घटिया दर्जे का काम देखकर उन्होंने भवन प्रमंडल के इंजीनियरों और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को खड़ी खड़ी सुनाई। इस दौरान सांसद ने एजेंसी के लोगों को फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई कराने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हैंडओवर के पहले ही बिल्डिंग जर्जर हो रही है। वो मैंने विजिट किया था, सीएस साहब थे, डॉक्टर शंभू जी उपाध्यक्ष थे। मैंने उनसे पूछा कि वहाँ के बारे में जो कमियाँ हैं, कैसे बेहतर लोगों का स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। तो इन्होंने कहा कि हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि अगर डिमोलिश करने के बाद यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने पूछा कि डिटेल आपके पास कुछ मैप या क्या प्रोजेक्ट, तो बोला कि ऐसा कुछ है नहीं। और हम लोगों ने कहा क्यों नहीं हम लोग साइट विजिट करें। तो मैंने SDO साहब को लिखा और फिर CS साहब को लिखा। सारे लोग यहाँ पे SDO साहब लोग आए हुए हैं, इंजीनियर लोग आए हुए हैं, सारे विभाग को पता है। कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम जारी है। आज कोल्हान प्रमंडल अंतर्गत जगन्नाथपुर में आयोजित विधानसभा स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इधर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने संजय पांडे और लाल किशोर नाथ शाहदेव को मुख्य प्रवक्ता बनाया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रांची से लेकर विभिन्न जिलों तक प्रशासनिक तैयारियां जारी है। लोहरदगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण ने आज ईवीएम वेयर हाउस तथा कृषि बाजार समिति परिसर समेत अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम डिस्पैच स्थल, वाहन की व्यवस्था समेत अन्य बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश और सुझाव दिए। इधर गढ़वा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए नीलांबर पीताम्बर बहुउद्देश्य भवन में आज सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को दायित्व के बारे में मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। राज्य में मैया यात्रा का आयोजन लगातार जारी है। रांची जिले के तमार में आयोजित मैया सम्मान यात्रा के सिलसिले में सभा का आयोजन हुआ, जिसे अन्य लोगों के अलावा विधायक कल्पना सोरेन ने भी संबोधित किया। कोई योजना को लागू करते हैं, चाहे हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, वो लागू करने के लिए आपके हेमंत सोरेन जी हमेशा से हम मुंह से बोल करके काम नहीं करते हैं, हम धरातल में योजनाएं ला करके काम करते हैं और दिखाते हैं कि हमने किया है। रांची में शारदीय नवरात्र और दुर्गा उत्सव को लेकर पूजा पंडालों के पट भक्तों के लिए खुलने लगे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के पुराने विधानसभा मैदान में अयोध्या धाम श्री राम लला मंदिर की तर्ज पर बने पूजा पंडाल का आज उद्घाटन किया। रांची के पुराने विधानसभा मैदान में इस बार अयोध्या धाम श्री राम लला मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मंत्री सीपी सिंह और हटिया विधायक नवीन जायसवाल समेत पूजा समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान राज्यपाल ने सबों की शारदीय नवरात्र और दुर्गा उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय सबों के लिए मंगलमय हो, ऐसी वे कामना करते हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत में करते हुए राज्यपाल ने राज्य के बेहतर भविष्य निर्माण में सबों से सहयोग का आग्रह किया। समय हम सभी के लिए, हमारे देश प्रदेश के लिए बहुत मंगलमय हो और अच्छे ढंग से आप लोग देश का प्रदेश का फैसला करें, इस आग्रह के साथ यहाँ पर हम आपके बीच में हैं। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या धाम में श्री राम लला के मंदिर का निर्माण संपन्न हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से यह काम हो पाया। उन्होंने कहा कि कई लोग रामलला मंदिर का दर्शन कर चुके हैं, लेकिन जो नहीं कर पाए हैं वे यहां आकर इस भव्य पूजा पंडाल के प्रारूप को देखकर श्री राम लला मंदिर की अनुमति ले सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग अयोध्या जाकर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ लोग दर्शन नहीं कर पा रहे। तो समिति ने निर्णय लिया, अशोक चौधरी, कुणाल अधवानी, ऐसे जो प्रभु श्रीराम के भक्त हैं, कैसे लाखों करोड़ लोग का राम प्रभु श्रीराम के मंदिर का रिप्लिकेट का दर्शन हम करा पाए। इस मौके पर राज्य के विधायक सह पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने भी पंडाल की भव्यता और सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कहा कि तमाम बाधाओं को दूर कर श्री रामलला मंदिर के प्रारूप पर इस पूजा पंडाल का निर्माण संभव हो पाया। उन्होंने मां दुर्गा से सभी के जीवन में रंग बिरंगी खुशियों की प्रार्थना की। जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, विघ्न बाधा सरकार के
पदाधिकारियों द्वारा पैदा किया गया, उसके बाद भी भगवान श्री राम लीला की जो यहाँ पर एक छाया या कहिए कि मूर्ति बनाई गई है। गौरतलब है कि इस पूजा पंडाल को बनाने में तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस दिव्य और भव्य पूजा पंडाल को हूबहु श्री रामलला मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इतना ही नहीं, यहां श्री रामलला की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जो अयोध्या धाम ही की तरह है। पूजा पंडाल में माँ दुर्गे विराजमान है। पंडाल परिसर में हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा भी लगाई गई है। रांची से सहयोगी विकास के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। चतरा जिले में पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण जिले में वन अधिकार अधिनियम लागू करने और वन अधिकार पट्टा उपलब्ध कराने में कोताही को लेकर नाराज चल रहे हैं। जिला वन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम और वन पट्टा वितरण को लेकर कानून में स्पष्ट नियम निर्देशित है। वन पट्टा वितरण त्रिस्तरीय प्रक्रिया से होकर गुजरता है, जिसमें कई स्टेक होल्डर शामिल होते हैं। ट्राइबल ओरिजिन से ज्यादा लोग शुरू से ही फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो जंगल से लकड़ी लाना जलावन के लिए, वहाँ पे पशु चराना, ये इस तरह के अधिकार जो हैं उनको खतियानी राइट्स में ऑलरेडी उनको दिया हुआ है। लेकिन अगर इससे ऊपर अगर कहीं पर जो व्यावसायिक उपयोग के लिए कहीं पर सघना के द्वारा अगर वनों की कटाई की जाती है, तो इस तरह की सूचना जैसे ही मिलती है हम लोग विशेष टीम का गठन करके उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हैं। गुमला में पुलिस ने पालकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगरू गांव पहाड़ से 7 लोगों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। ये सभी किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना पर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। इन लोगों के पास एक देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 11 राउंड कारतूस बरामद किया गया है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में एक दैनिक समाचार पत्र के एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षाविदों और संस्थाओं को बधाई दी। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ही सशक्त और समृद्ध समाज की आधारशिला है। जनसंवाद अभियान कार्यक्रम के तहत चाईबासा पहुंचने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का स्वागत हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद थे। चाईबासा जाने के क्रम में कांड्रा में भी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत हुआ। चतरा सांसद कालीचरण सिंह की मौजूदगी में पत्थलगढ़ा प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के युवा अध्यक्ष सुरेंद्र दास ने अपने साथियों के साथ भाजपा का दामन थामा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर आस्था प्रकट की। चतरा सांसद ने सबों का अभिनंदन और स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुमन सौरभ तिवारी भी मौजूद थे। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत चौकी डाब से मेहंदीपुर लखनपुर होते हुए रामपुर तक 3,29,00,000 की लागत से बनने वाली 3.7 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने रामपुर से कटे टोला पथ का 1,25,00,000 की लागत से बनी ग्रामीण सड़क का शुभारंभ किया। पाकुड़ में जिला परिषद की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए। दुमका में डीएमएफटी फंड से संचालित योजनाओं की उपायुक्त ने समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समय गुणवत्ता युक्त कार्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर महान वीर आदिवासी योद्धा भोमट के राजा राणा पूंजा भील को उनकी जयंती पर शत शत नमन किया। बोकारो विधायक विरंजी नारायण ने राजस्थान और गुजरात के पर्व राज्यपाल स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र को जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के विकास में आदि आबादी महती योगदान दे रही है। सिमडेगा की कष्टी देवी JSLPS के तहत महिला समूह से जुड़कर अपनी बहू सुमन के साथ परंपरागत वाद्य यंत्र बांदर बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। सरकार की कोशिशों से सामाजिक आर्थिक बदलाव की बयार बह रही है। सिमडेगा में आधी आबादी भी इस बड़े बदलाव की वाहक बन रही है। जिले के सिकरियाटार पंचायत अंतर्गत सोगड़ा गांव की कष्टी देवी हड़िया दारू बेचकर कभी किसी तरह गुजर बसर कर रही थी। JSLPS के तहत महिला समूह से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। फूलों झानो आशीर्वाद योजना के तहत 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण लेकर उन्होंने अपनी बहू सुमन के साथ परम्परागत वाद्य यंत्र बांदर बनाने के काम शुरू किया, जो अब काफी फलफूल रहा है। बेचत रही बाबू छोटे छोटे छवार तो जाना थे पहले कर युग जमाना
बंदर बना थी बेचे लागे गांकी मनावे घरे बेचायल बाजार लेके बेचील। वहीं कष्टी देवी की बहू सुमन भी अपने नए काम से खासा खुश है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बनाए गए मांदर की अच्छी बिक्री हो रही है और वे आत्मनिर्भर होकर सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर रही हैं। हड़िया दारू बिक्री करते थे, फिर फूलों झानों के द्वारा दीदी लोग से संपर्क हुआ और दीदी लोग हम लोग को ब्याज मुक्त राशि 10,000 JSLPS के द्वारा दी गई और उस राशि से हम लोग एक नया बिजनेस शुरू किया और मांदर बनाते हैं और अभी मांदर के द्वारा मांदर बिक्री करके हम लोग का नया व्यवसाय शुरू किए हैं और अच्छा लगता है क्योंकि दारू हाड़ी एक घिनौना काम था, सम्मानजनक जिंदगी नहीं थी। सिमडेगा जिले के सोगड़ा गांव की ये दो महिलाएं क्षेत्र में आज नजीर बन गई है। गांव में उनकी कामयाबी के चर्चे हो रहे हैं जिससे अन्य महिलाओं के बीच भी सकारात्मक सोच से बदलाव की ललक दिख रही है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का थोड़ा असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि निम्न दबाव झारखंड से काफी दूरी पर बन रहा है, इसलिए इसका प्रभाव झारखंड पर आंशिक रूप से ही पड़ेगा। राज्य के पूर्वी और मध्य भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। का जो पूरा भाग हो जाता है जो पश्चिम बंगाल से सटता है वहाँ पे 4 तारीख में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है गर्जन वज्रपात के साथ में, और साथ साथ में उसे सटे हुए जो मध्य भाग है वहाँ पे भी आपको थोड़े से गर्जन वज्रपात हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उन्होंने बताया कि आज और कल कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है जिसको लेकर लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। 5-6 को भी झारखंड में देखने को मिलेगी और जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो पूर्वी भाग है और मध्य भाग है वहाँ पे 5-6 में हल्के से मध्यम दर्जे की, और जो पश्चिमी भाग है वहाँ हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। श्री आनंद ने बताया कि आकाश में बादल छाए रहने की वजह से राज्य में अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। तो ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र है झारखंड से थोड़ा सा दूर है, बट इसके कारण थोड़ा सा जो मॉइस्चर आ रहा है झारखंड के पास में, तो जिसके कारण से थोड़ा सा जो बादल हैं वो बढ़ेंगे और 4-5-6-3 दिन गर्जन वज्रपात की चेतावनी है जिसको लेके लोगों को सजग रहने की सलाह दी जाती है। पिछले कई दिनों से राज्य में वर्षापात थम सा गया था, कृषि कार्यों में जुटे किसान बारिश की आस लगाए हुए थे। यह बारिश धान की फसल के लिए वरदान जैसी होगी। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.4 और न्यूनतम 24 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.8 और न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। 5 अक्टूबर साल 1524 को रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के कलिंजर किले में हुआ। दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के गोडवाना क्षेत्र में शासन किया। उनके पति राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई जिसके बाद दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना शुरू किया। साल 1564 में जबलपुर के पास बरेला नामक स्थान पर एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दुर्गावती का सामना मुगलों की ओर से आसफ खां से हुआ। युद्ध के दौरान वीरता से लड़ते हुए रानी दुर्गावती को वीरगति प्राप्त हुई। उनके नाम पर जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। भारत सरकार ने साल 1988 में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद किया। कहते हैं शिक्षक वो जरिया होता है जो शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। 5 अक्टूबर साल 1994 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हुई। दुनिया में शिक्षा का महत्व और शिक्षा के महत्व को बताने में शिक्षक की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियों को समझाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस का मूल उद्देश्य यह है कि सारे संसार में शिक्षकों के महत्ता को स्थापित किया जा सके। आज के हेल्थ सेगमेंट में देखते हैं संक्रमण से बचाव के लिए
इम्यून सिस्टम के महत्व और भूमिका के बारे में। बेहतर जीवन के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। स्वास्थ्य का महत्व हर आयु के व्यक्ति के लिए है। रोगों से बचाव हो तभी स्वस्थ रहना संभव हो सकता है। हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षित रखने में सहायता करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में अंग, कोशिकाएं, टिश्यू और प्रोटीन इत्यादि शामिल होते हैं। ये सभी तत्व मिलकर मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करते हैं। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का काम शरीर को किसी बाहरी तत्व जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, बीमार करने वाले कारकों से बचाव करना है। इसके अलावा ये शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित कोशिकाओं से अलग करता है, जिससे शरीर पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि की 18वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ खाते में डीबीटी के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित। मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर में नवनिर्मित एमजीएम हॉस्पिटल बिल्डिंग का किया उद्घाटन। ओपीडी का भी शुभारंभ। सीएम का स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रांची में विकसित भारत के तहत युवा कनेक्ट कार्यक्रम में लिया हिस्सा। युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान का आह्वान। और भाजपा ने जारी किया पंच प्रण गोगो दीदी योजना का ऐलान। मुफ्त बालू और सभी परिवारों को सिलेंडर के लिए 500 रुपए तथा युवाओं को 2,000 युवा साथी भत्ता का वायदा।